हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएमएसएस पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर सेक्शन 194S ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो सेक्शन है 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। जब हम कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए जब हम ट्रांसफर करेंगे वो टाइम में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, बिटकॉइन है या कोई क्रिप्टो करेंसी है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है या एनएफटी या और कोई डिजिटल एसेट जो ये नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए हम जब ट्रांसफर करेंगे वो टाइम में हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194S एट द रेट ऑफ 1%। कौन डिडक्ट करेगा, हु हैज़ टू डिडक्ट द टीडीएस? पर्सन पेइंग कंसिडरेशन, जो आदमी कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। इधर टैक्स रेट है 1% है। ये जो कंसिडरेशन हम पेमेंट करेंगे, जो कंसिडरेशन हम देंगे, वो कंसिडरेशन बाई कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, या पार्शियली बाई कैश, पार्शियली बाई काइंड हो सकता है। ये कंसिडरेशन काइंड हो सकता है, कैश हो सकता है, पार्शियली बाई काइंड और पार्शियली बाई कैश हो सकता है। जब ये हम कंसिडरेशन किसको दे रहे हैं, टू एनी रेसिडेंट, जब हम कोई रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं वो कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो टाइम में हमको डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%। लेकिन ये जो टीडीएस हम कब डिडक्ट करेंगे, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर। ये नॉर्मल जो टीडीएस में जो हमारा जो कंडीशन रहता है, जब भी हम ये जो कंसिडरेशन अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, जो पहले होगा वो बेसिस पे हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? यस, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है। जब हम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तब जाके हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो फिर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो दिया गया है 50,000 रुपीज, इन्हें फाइनेंशियल ईयर, पूरा साल में कोई फाइनेंशियल ईयर में हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। अगर 50,000 रुपीज से एक्सेस होगा तब टीडीएस डिडक्ट करना है, ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। अदर्स के लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपीज है, इन्हें फाइनेंशियल ईयर, पूरा साल में अगर 10,000 या 50,000 रुपीज, जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 50,000 रुपीज, अदर्स के लिए 10,000 रुपीज, पूरा साल में अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमें ये क्रॉस करते हैं तब जाके हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है उसको भी डिफाइन किया गया। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, अगर ये जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, अन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल है एचयूएफ जिसका बिजनेस इनकम नहीं है या प्रोफेशन वो नहीं कर रहा, देयर इज नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उनको ट्रीट किया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। अन अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस है या प्रोफेशन है लेकिन उसका टर्नओवर लिमिट दिया गया, अगर इफ देयर इज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, उनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, लेकिन अगर बिजनेस से जो उनका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है या प्रोफेशन से उनका जो टर्नओवर है 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब उनको स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। तो स्पेसिफाइड पर्सन, ये दो है कंडीशन है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर बिजनेस या प्रोफेशन है लेकिन हम जो अभी टर्नओवर लिमिट डिस्कस किए वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। ये जो टर्नओवर लिमिट, ये जो टर्नओवर है कौन सा ईयर का हमको कंसिडर करना पड़ेगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर हम 22-23 का अगर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, 194S एप्लीकेबल है या होगा या नहीं होगा, अगर हम उसको देखना है तो हम प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 21-22 का हमको टर्नओवर देखना पड़ेगा। ये वो स्पेसिफाइड पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनका टर्नओवर लिमिट क्या है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखना पड़ेगा हमको, जो टर्नओवर देखना पड़ेगा ये कंसिडर करने के लिए वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन, ये जो हम दो कंडीशन अभी डिस्कस किए वो हिसाब से स्पेसिफाइड पर्सन डिसाइड होगा। अभी जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। थ्रेशोल्ड लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या 1 अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे जो हम दिए हैं अगर कोई कंसिडरेशन हम पेमेंट कर रहे हैं, या 1 जुलाई से होगा, या पे जब भी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट, ये केस में 1 अप्रैल 2022 से जो भी हम कंसिडरेशन दिए हैं उसको ऐड करके देखना पड़ेगा ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर हम कोई पेमेंट किए हैं वो जो कंसिडरेशन दिए हैं वो उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये जो 1 जुलाई से टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए हमको जो हमको
अप्रैल 2022 से जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, कोई अगर वीडियो हम अगर ट्रांसफर किए हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ये थर्शोल लिमिट के लिए 1 अप्रैल 2022 से कंसिडर करना पड़ेगा ये थर्शोल लिमिट अराइव करने के लिए, वो हम अप्लीकेबल है या नहीं, टीडीएस डिडक्ट करना या नहीं है, लेकिन टीडीएस अप्लीकेबिलिटी रहेगा 1 जुलाई 2022। ये जो कंसिडरेशन हम पेमेंट करेंगे वो कंसिडरेशन का ऊपर जीएसटी कमीशन अगर है तो उसका ऊपर क्या टीडीएस डिडक्ट करना है नहीं करना है, कंसिडरेशन शैल बी नेट ऑफ जीएसटी एंड कमीशन। तो जीएसटी या कमीशन का ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, नेट का ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर हम 194S में टीडीएस डिडक्ट कर लिए हैं तो क्या 194Q टीडीएस ऑन परचेस उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं करना है। एक बार 194S में अगर हम टीडीएस डिडक्ट कर लिए तो अगर हम उसका बाद हमको 194Q का ऊपर टीडीएस डिडक्ट सेम ट्रांजैक्शन का ऊपर अंडर सेक्शन 194Q टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है। तो ये नटसेल में था जो जब हम ट्रांसफर करेंगे कोई वीडियो या वर्चुअल डिजिटल एसेट टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194S ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।